समुदाय का फर्ज क्या है? अगर उसके क्षेत्र के बच्चे सड़क पे पड़ रहे हो, आंदोलन में हो, तो विधायक का सीना और विधायक के पूरा खून पसीना इस सड़क स्कूल आंदोलन में बच्चों के साथ है। उर्दू प्राथमिक विद्यालय बरोड़ा, ये बिहार के भोजपुर जिला के अग्याव विधानसभा क्षेत्र में यानी गढ़नी ब्लॉक के गांव बरोड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी आज़ादी के बाद 19 सितंबर 1947 को, जिस समय आसपास 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर कोई स्कूल नहीं हुआ करता था, उस समय इस विद्यालय का स्थापना हुआ था। समाज के सभी वर्ग के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते थे, मजदूर, किसान, गरीब, गुरबे के बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे, सभी समाज के बच्चे, केवल मुस्लिम कौम के नहीं, दलित, अति पिछड़े, मुस्लिम, स्वर्ण समाज के बच्चे, अति पिछड़े के बच्चे, सभी समाज के बच्चे इसमें पढ़ते थे और इसमें से पढ़ करके देश के हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बन करके, सेना के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इस स्कूल में जो बच्चे गए, यह स्कूल उनके भविष्य को बहुत ही खूबसूरती से संवारा, सजाया, उनके भविष्य का निर्माण किया और समाज को, देश को सौंपा। इस तरह के एक प्रतिष्ठित स्कूल विगत 13 साल पहले जर्जर हो गया। जब स्कूल जर्जर हुआ तो अभिभावकों ने, बच्चों ने कहा कि नया स्कूल बननी चाहिए, तो शिक्षा विभाग, भोजपुर के शिक्षा विभाग ने उस समय एक दलान में शिफ्ट किया। वो दलान में आधे में एक बुजुर्ग सोते थे, मच्छरदानी लगी रहती थी, आधे में किसी तरह से बच्चे पढ़ते थे। तो जब 4-5 साल गुजर गए तब जा करके 2018 में गढ़नी ब्लॉक कैंपस में स्कूल का संचालन करके आंदोलन हुआ कि बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने, ब्लॉक कैंपस में ही पढ़ेंगे। ये आंदोलन का एक तरीका लिया गया, लोकतांत्रिक तरीका लिया गया और आसपास के भी अगल बगल के लोग भाकपा माले के नेतृत्व में छात्र संगठन आयशा और युवा संगठन रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन, इंकलाबी नौजवान सभा के नेतृत्व में वो ब्लॉक कैंपस में स्कूल का संचालन हुआ। तो रात जब 9 बजा तो हुआ कि अब कंटिन्यू होगा, कोई आएंगे नहीं अधिकारी, ऐसा लग रहा था। तो उस समय के तत्कालीन SP श्री सुशील कुमार जी ने डायरेक्ट फोन किया कि नहीं से हम भेज रहे हैं अधिकारियों से बातचीत करके, बातचीत चल रही है। उस समय SDM आए, उस समय DO आए, DPO आए, BDO CO तो थे ही, ये तमाम लोग आए और इन्होंने कमिट किया, इन्होंने प्रोमिस किया कि 8 दिन बाद वो स्कूल निर्माण की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। स्कूल के जमीन की मापी भी हुई, कुछ जमीन कम पड़ रही थी तो वहाँ के जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वहाँ के जो अभिभावक हैं, ग्रामीण हैं, वे अपने कब्रिस्तान की जमीन भी उसमें कुछ एक्स्ट्रा थी तो उस स्कूल के लिए उन लोगों ने दिया। लगातार हम लोग जो भी मंच हो सकता है, एक CPIML के लीडर होने के नाते, बिहार विधानसभा के सदस्य होने के नाते, जो भी मंच हो सकता है, बिहार विधानसभा से लेकर DM, DO, अपर मुख्य सचिव, तमाम जगहों पर मैंने इसे जोरदार तरीके से उठाया, लगातार लगे रहा। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि पैसे आएंगे तो स्कूल का निर्माण होगा। और इधर भोजपुर के शिक्षा विभाग ने 14 अगस्त को उस विद्यालय को तोड़ दिया, JCB मशीन से मिट्टी में मिला दिया और ये कह करके विद्यालय को तोड़ा गया
कि स्कूल हम लोग निर्माण कार्य करेंगे, यहाँ पे 15 अगस्त को झंडोत्तोलन होगा, वीडियो सीओ शिलान्यास करेंगे। जब 15 अगस्त हुआ वहाँ झंडोत्तोलन भी नहीं किया गया। 4-5 दिन बीत गए तब वहाँ पंचायत सरकार भवन में, जो काफी 1.5 किलोमीटर की दूरी पड़ता है, वहां पर कहा गया, वहाँ गढ़नी ब्लॉक के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो मिड डे मील के DPO है, वही गढ़नी ब्लॉक के BO के इंचार्ज के रूप में है, उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन में स्कूल चलेगा। वहाँ के गार्ड रूम में हाथ से लिख दिया गया कि उर्दू प्राथमिक विद्यालय बरोड़ा। वहाँ के अभिभावकों ने रिएक्ट किया और प्रतिवाद स्वरूप कहा कि नहीं, ये तो हमारे स्कूल के अस्तित्व को, हमारे स्कूल के वजूद को मिटाने की साजिश है, हमारे स्कूल को मर्जर करने की, दूसरे स्कूल में मिलाने की, और हमारी स्कूल की जो स्वतंत्र अस्तित्व है इसे मिटाने की साजिश है, ये साजिश हमें कबूल नहीं है। और वहाँ टेंट लगा करके जिस स्कूल को मिट्टी में मिला दिया गया, उन्होंने कहा कि हमारी इसी मिट्टी पर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ये स्कूल चलाएंगे, हमारे पुरखों ने पढ़ा है, हमारे कई पीढ़ियों ने इस स्कूल में पढ़ा है, ये स्कूल हमारा भविष्य है, ये स्कूल हमारा एक गांव का, हमारे समाज का, खास करके गरीबों के लिए, चूँकि गरीबों के बच्चे तो सरकारी विद्यालय में ही पढ़ते हैं, 100% पढ़ते हैं, तो ये एक हमारा भविष्य का सवाल है, शिक्षा के अधिकार का सवाल है, हमारा ये स्कूल नहीं सपना को तोड़ दिया गया। हम लोग जिसे हमने ख्वाब को देखा था कि लगातार प्रयास हो रहा है तो हमारा स्कूल बनेगा, तो उस ख्वाब को मिट्टी में मिला दी गई। तो वहाँ पे स्कूल चलाने लगे, फिर मुझे बुलाया गया, मैं गया, मैं वहाँ पे DM को खबर किया, मैं अपर मुख्य सचिव को लेटर दिया कि भाई, मैं BO से बात किया कि अब 4 सितंबर के पहले स्कूल निर्माण के कार्य आप शुरू करो, फौरन शुरू करो, वरना आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर ये सड़क पर स्कूल चलेगा। तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई गांव में जिला शिक्षा अधिकारी हो, DM हो, शिक्षा विभाग के अधिकारी हो, या कोई शिक्षा विभाग से संबंधित जनप्रतिनिधि हो, कोई गांव में बच्चों से, विभागों से मिलने का, हमसे भी कोई मिलने का या बुला करके बात करने का, कोई कॉल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तब जाकर के 4 सितंबर को उस गांव के तमाम लोग, अभिभावक, स्कूली बच्चे, आसपास के सभी जनप्रतिनिधि, भाजपा माले के नेतृत्व में स्कूल निर्माण आंदोलन समिति बरोड़ा के युवाओं ने गठित किया, वहां के अभिभावकों ने गठित किया। तो स्कूल निर्माण आंदोलन समिति और भाजपा माले के नेतृत्व में 4 सितंबर से यह आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन 4 को भी कोई समझौता नहीं हो पाया, 5 को भी नहीं। 6 सितंबर को जाकर के एक बार आए DOI, SDM आए, BOI, तो यह आश्वासन कोई खास भरोसे वाली बात नहीं, चूंकि धोखा खाए वहां के अभिभावकों ने, बच्चों ने, हम सब ने, हम लोग धोखा खा चुके थे, आश्वासनों को धज्जियां उड़ाते हुए हम लोगों ने देख लिया था। इसलिए इस बार कहा गया कि भाई इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा, भरोसा दिलाने से काम नहीं चलेगा, ठोस कमिटमेंट हो, प्रॉमिस आप लोग कीजिए कि स्कूल को मर्जर नहीं किया जाएगा, ये स्कूल बनेगा। तब जाकर के SDM, DDC, DM के चार्ज में थे विक्रम वीरकर, तो DDC आए, SDM आए, DO आए, वहाँ पे BDO थे, तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारी थे। तब जाकर के 6 सितंबर को आंदोलनकारियों से, बच्चों से, अभिभावकों से वार्ता हुई। तब जाकर के 19 सितंबर से एक स्कूल, 19 सितंबर से स्कूल निर्माण के वायदे किए गए, नहीं तो कहा गया कि 19 सितंबर तक पैसा नहीं आएगा, तो मतलब कि अधिकतम 1 माह का लोग समय लिए हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई 10 लाख रुपये मैं अपने विधायक फंड से भी दिया कि अगर पैसे आने में देर होंगे तब तक 19 सितंबर से स्कूल निर्माण की कार्रवाई को शुरू किया जाए। तब जाकर के आंदोलन समाप्त हुआ और उसमें भोजपुर जिले के निवासियों ने, वहाँ के व्यवसायियों ने, वहाँ के दुकानदारों ने, वहाँ के ऑटो चालक मित्रों ने, वाहन चालक मित्रों ने, नौजवानों ने गढ़ने के भोजपुर के काफी तहे दिल से सहयोग किया। हम लोग वहीं पर मिड डे मील चलाते थे और आंदोलन सफल हुआ और हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि 19 सितंबर से स्कूल निर्माण की कार्रवाई को जमीन पे शुरू की जाएगी। तो इसलिए ये आंदोलन का जीत हुआ, सड़क स्कूल आंदोलन का जीत हुआ, यह एक ऐतिहासिक आंदोलन साबित हुआ। 55 घंटे आरा स्टेट हाईवे गढ़नी बाजार पे 55 घंटे सड़क स्कूल आंदोलन चला, तो ये आंदोलन सफल हुआ। मैं तमाम जिले वासियों को, बिहार के वासियों को, या बिहार से बाहर भी जो लोग आंदोलन पर नजर बनाए हुए थे, जो आंदोलन की जीत का कामना कर रहे थे, उन तमाम लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।